तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर इसमें आता है, सपोज पिछला ही वाला पैटर्न पे आधारित है कि टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एंड राइट इट टू अनदर फाइल। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, टू कॉपी द कंटेंट ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, पिछला वाला जो बताया गया था उसी पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन की समझ गए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हम आपको दो फाइल दे रहे हैं, एक फाइल पहले से बना है, एक फाइल बनाना है। जो पहले से बना है उसी का कंटेंट जो नया वाला है उसमें राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल। क्वेश्चन ऊपर के हिसाब से पूछ सकता है, नीचे के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब कि सर इसमें हमको दो फाइल लेके चलना होगा, एक फाइल ऐसा होगा जो पहले से क्रिएटेड है, एग्जिस्ट है, ठीक है, और जो एग्जिस्ट है उसको रीड मोड में खोलेंगे, और जो नया है उसको राइट मोड में खोलेंगे, और रीड वाले से रीड करेंगे राइट वाले में। ठीक है, तो इसके पहले वाले में कौन सा हम लोग फाइल बनाए थे, कोई है फाइल बना हुआ? डेमो, तो डेमो नाम का था। डेमो नाम का था। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं, सीधे इसको एग्जाम्पल में लेके चले, रन करा के दिखा दे। ओके, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं डेमो में क्या क्या कंटेंट है, तब ना पता चलेगा। टाइप डेमो, ठीक है, यही है कंटेंट। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गया टू टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इंटू अनदर फाइल। तो हमारे पास पहले से बना बनाया डेमो है, नया हम किसी भी नाम से बना लें, डेमो वन से बना लें। ठीक है, तो हैश इंक्लूड करेंगे stdio.h, हैश इंक्लूड करेंगे onio.h, void main लिखेंगे, और इसमें हमको दो फाइल चाहिए, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक पी और एक क्या क्यों, एक कैरेक्टर रीड करने के लिए क्या ले लेते हैं सी एच। अब पी में हमको एफ ओपन करेंगे, किसको, डेमो को, किस मोड में, रीड मोड में, और क्यू में ओपन करेंगे हम उस फाइल को जिसको हम नया, तो डेमो वन ले लेते हैं और इसको हम रखेंगे राइट मोड में। ठीक है, अब एक वाइल का लगा देते हैं, और इसमें लगा देते हैं पी डॉट गेट सी,
यहां पे लिखना होगा ch, ch इज इक्वल टू p डॉट गेट c। एक एक करेक्टर भाई p से रीड करो, डेमो से रीड करो और चेक करो कि ये नॉट इक्वल टू क्या रहे एंड ऑफ यानी पहला वाला डेमो से एक एक करेक्टर रीड करो तब तक जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए, ठीक है। वो करेक्टर वो रीड करके किस में स्टोर करके रखे हुए है, सी एच में, सी एच वेरिएबल में। किस वेरिएबल में रखे हुए है, सी एच वेरिएबल में। और हमको वही कंटेंट ले जाके दूसरे वाले में राइट करना है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, क्यू डॉट पुट सी और यहां डाल देंगे सी एच, सॉरी क्यू डॉट नहीं पुट सी और यहां डाल देंगे सी एच और यहां क्या लिख देंगे क्यू। ये डॉट डॉट नहीं होता है जी, ये पाइथन वाला याद आ जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऐसे होगा, ठीक है। P से एक एक करेक्टर रीड करो तब तक जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। एक एक करेक्टर रीड करके किस में रखते जाओ, सी एच में, पेट पेट पेट। P मतलब डेमो, P मतलब डेमो, Q मतलब डेमो वन। P मतलब P से एक एक करेक्टर रीड करना है, तो रीड करने के लिए गेट सी फंक्शन है, गेट सी में हम P डाल दिए तो वो से एक करेक्टर रीड करेगा, किस में डाल देगा सी एच में। और ये रीडिंग तब तक करना है जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए और उसके बाद ठीक है उसी एक करेक्टर को राइट करना है, तो पुट सी दे दिए और उसमें लिख दिया सी एच क्यू, ठीक है। इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, हम चाहे तो एक मैसेज दे सकते हैं प्रिंट एफ फाइल कॉपीड, क्या लिख सकते हैं फाइल कॉपीड, ठीक। और दोनों को क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज ठीक है, काम खत्म, ओके रन कराया जाए। हो गया अल्ट एफ5, चूंकि गेट सीएच नहीं लगाया है ना, देखिए मैसेज आया नीचे क्या लिखा है फाइल कंप्लीट। गेट सीएच लगा दीजिए यहाँ पे, अगर चाहते हैं कि मैसेज हमको दिखा के तब वो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा। अब एक बार और रन करा देते हैं, क्या लिखा फाइल कंप्लीट, इंटर। अब हमको दिखना है तो डॉट सेल में चले जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे क्या, डेमो तो एग्जिस्ट कर रहा है, पहले डेमो कर लेते हैं और फिर टाइप लिखेंगे डेमो वन, उसमें भी वही कंटेंट आना चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है, ले कहाँ चले गए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आते रहता है। हो गया
एक और क्वेश्चन है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो लैब मैनुअल आप लोग को दिया गया था, दिया गया है ना लैब मैनुअल, चलिए लैब मैनुअल मिला है आप लोगों ने, बांटे थे शायद लैब में, पीडीएफ भेजे थे ना उसका, उसमें देखिएगा, लास्ट सेशन का क्वेश्चन होगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन मैंने रखा था इसलिए कि वो क्वेश्चन रुड़की इंजीनियरिंग, आप जानते हैं रुड़की का नाम सुना है, आईआईटी के अंतर्गत आता है, तो वहां पे एक बच्चा था, ठीक है, वो उसका असाइनमेंट था बहुत पहले का, 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, तो वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मतलब हमको भी जो क्वेश्चन मिला, जो पूछा गया, तो 3 से 5 मिनट मेरे दिमाग में भी बहुत जोर पड़ा कि आखिर बनेगा कैसे, लेकिन बाद में रियलाइज हो गया कि ऐसे बन जाएगा या इसमें ये ट्रिक छुपा हुआ, तो वो क्वेश्चन मुझे मुझे ठीक लगा था, मैंने सोचा कि रख देते हैं बच्चों के साथ, तो हम लैब मैनुअल में आप लोगों को डाल दिए थे। क्वेश्चन ये था कि राइट ए सी प्रोग्राम दैट प्रिंट इटसेल्फ, प्रिंट इटसेल्फ यानी रन कराए तो जो लिखा है ना वही दिखे, नहीं समझे, आपने उसमें लिखा है हैस इंक्लूड, तो आई हैस इंक्लूड, प्रिंटर के अंदर जो भी होगा शुरू से वो लिखते हैं। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? यस सर, सुन, ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, हैस इंक्लूड आए, जैसे लिखा है वैसे आए, हूबहू वही, हूबहू कैसे कीजिएगा प्रिंट एप में, प्रिंट एप के अंदर हैश इंक्लूड डाल के लिखिएगा? नहीं सर, हैश का कोई कोड आता है सर, उसको लिखना पड़ेगा, कोई इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही बल्कि प्रोग्राम, मान लेते हैं कि आपका प्रोग्राम 10,000 लाइन का है, तो 10,000 लाइन के लिए आप 10,000 प्रिंट एप इस्तेमाल कीजिएगा, नमस्कार, ठीक है, इसमें ट्रिक है और ट्रिक को समझना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, 5-7 लाइन के प्रोग्राम लाइन से बन जाएगा आपका, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। क्वेश्चन ये है कि जो हम प्रोग्राम फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, सीपीपी नहीं बोलेंगे, अगर सीपीपी हो गया तो वेल गुड, ठीक है, लेकिन हम सी के हिसाब से क्या बोलेंगे, .c, ठीक, और जब हम कंपाइल कराते हैं तो क्या हो जाता है, .obj ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है, और जब हम रन कराने जाते हैं तो वो किसको खोजता है, .c को कि .obj को, जब हम कंट्रोल F9 करेंगे तो वो किसे खोजेगा, .c या .obj, .obj, absolutely right, .obj, इसका मतलब कि कंपाइल कराए तो .c भी है और एक नया बन गया .obj, जब हम रन कराने जा रहे हैं तो वो तो obj को रन करा रहा है, तो .c तो वैसे ही सेपरेटली है, तो मान लीजिए कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख दे, ठीक है, जो अपने ही .c फाइल को ओपन करे और उसको रीड करके दिखा दे, नहीं समझे, यस सर, समझ गए, समझ गए हैं, जैसे सर फिर से बता, जब आपने क्या कहा कि हमने बनाया .c से, ठीक है, कंपाइल किया .obj बन गया, रन कराएंगे तो किसको फॉलो करेगा, .obj को, और .obj को हम ये कहें कि तुम जब रन करोगे तो एक फाइल को रीड करो जिसका नाम है .c, तो वो लगेगा .c को रीड करने और वही प्रोग्राम का आउटपुट दे देगा, ठीक है, क्योंकि रन कराते समय .c से कोई मतलब है नहीं, हम कहेंगे भाई .c को तुम रीड करो, हो जाएगा काम,
ठीक है, बाकी रन करा के मैं दिखा देता हूँ, दिमाग में मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल दिखा देंगे। यानी रन करते समय उसको ओबीजी से मतलब है, ठीक है, और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो फाइल रीडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब फाइल रीडिंग में, तो फाइल रीडिंग में फाइल का नाम डालना होगा ना, तो हम डालने में क्या करेंगे, फाइल नेम के साथ डॉट सी एक्सटेंशन वाला दे देंगे, तो रन करेगा ओबीजी, रीड करेगा डॉट सी को, प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मैं वो बनाता हूं, ठीक है, दैट प्रिंट इट सेल। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इस हमको एक ही एक ही एक ही पॉइंटर की जरूरत होगी, पी के, हमको क्यू की जरूरत नहीं है, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस नाम से सेव करेंगे, माई डेमो के नाम से। किस नाम से? माई डेमो डॉट, क्या लिख दिए इसमें, सी। हम इसको सेव किस नाम से करेंगे? माई डेमो के नाम से, माई डेमो डॉट सी इसमें डाल दिए, और यहां पे लिखे कि वाइल सी एच इज इक्वल टू गेट सी पी Not equal, क्या इंडो फाइल, और यहां पे क्या करते जाते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट सी, इसमें क्या डाल देते हैं, सी बन गया। अब ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, रन कराएंगे यही आएगा, पहले इसको सेव कर ले हम। हाँ, एक एफ क्लोज लगाना होगा ना जी, F क्लोज, क्या P, बस जो आपको यहां दिख रहा है यही आउटपुट आएगा। ठीक है, सी एल आर एस सी आर लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अब इसको हम सेव कर ले रहे हैं, किस नाम से, माई डेमो डॉट सी के नाम से सेव हो गया। ठीक है, कंपाइल करा है, तो जैसे कंपाइल करेंगे इसका ऑब्जेक्ट फाइल बन गया। ठीक, अब रन करा रहे हैं, देखिए आउटपुट में, आउटपुट में वही आया जो आपने लिखा है, आ रहा है ना। ठीक है, अब ये 5 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, 5000 लाइन का हो, जितने लाइन का होगा आराम से करके दे देगा, हमको दूसरा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आ जाइए, इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए, रन करा लीजिएगा। किसी भी प्रोग्राम में काम करेगा, ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट यही होना चाहिए कि आपको फाइल, ये जब भी बनेगा फाइल हैंडलिंग से बनेगा, किससे बनेगा, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हेलो वर्ल्ड है, वो है ही नहीं, ये क्वेश्चन ये है कि जो प्रोग्राम है वही आउटपुट आए। मान लीजिए कि इसके बाद आप प्रिंट एफ हेलो लिख दीजिएगा, प्रिंट एफ हाई लिख दीजिएगा तो वो भी आएगा, लेकिन उसी फॉर्म में आएगा, प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ, प्रिंट एफ हाई लिखा हुआ, जो टाइप किया हुआ। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दू अपने तरफ से एक प्रिंट एफ हेलो, ठीक है,
तो उसमें भी आपका जब रन करेगा तो उसमें भी आपको क्या देगा? अच्छा, ये कंसोल में चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर सेव नहीं किया था, लग रहा था। अल्ट एफ सेव, कंपाइल, देखिए हेलो प्रिंट भी कर रहा है। और हाँ, वो अपना काम भी कर दिया और साथ साथ प्रोग्राम को भी प्रिंट कर दिया। आउटपुट क्या? नहीं, आउटपुट तो प्रिंट मत डालिए, प्रिंट मत डालिए। प्रिंट तो अपना काम करेगा ना जी। आप प्रिंट एफ लिखे हेलो, तो एग्जीक्यूट तो हो रहा है, तो फाइल, वो फाइल हैंडलिंग वाला तरीका है, वो तो काम कर रहा है, जो चीज है वो आ जा रहा है। प्लस प्रिंट अपना काम कर रहा है कि भाई हम तो मॉनिटर पे जाके हेलो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी अगर आप इसके अलावा प्रिंट एफ स्कैनर का काम कीजिएगा तो प्रोग्राम तो देगा ही, प्रिंट एफ और स्कैनर का काम भी करवाएगा आपसे। ठीक है, क्लियर? तो कैरेक्टर पे इतने सारे चीज थे, वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो असाइनमेंट का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। और अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर के बाद डेटा टाइप बाय डेटा टाइप। लेकिन चाहे हम किसी भी टाइप में जाके बनाएं, सीखें, लेकिन ये जो कैरेक्टर वाला तरीका है ना, ये वैलिड है सब में। जैसे अगर मान लीजिए कि हम डेटा को इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग के रूप में ही अगर स्टोर करके रखते हैं और कैरेक्टर और रीडिंग वाला हम प्रोग्राम उसमें लगा दें, तो वो भी काम कर जाएगा। नहीं, बात समझे? जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा फाइल कह रहा है कि आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हम सब कैरेक्टर मान के उसको लिख दे रहे हैं फाइल में, आप कैरेक्टर करके रीड कर लीजिए। ठीक है, अगली बार हम अभी जो सिखाने वाले हैं कि हम डाटा जो डालेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है, फ्लोट के फॉर्म में डालेंगे, फाइल में स्टोर करेंगे। फाइल कर रहा है ठीक है, मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैं इंटीजर के फॉर्म में आप दे रहे हैं तो मैं उसी में फॉर्म में कर रहा हूँ, पर मैं तो फाइल हूं ना, मेरे अंदर जो कंटेंट है वो सब कैरेक्टर्स के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर रीडिंग वाला प्रोग्राम है ना, अगर वो भी चाहे इस डाटा को रीड करना तो कर सकता है। ठीक है, हालांकि बेहतर विकल्प यही है कि टाइप बाई टाइप अगर राइट कर रहे हैं तो रीड भी आप टाइप बाई टाइप ही करें, लेकिन अगर आप कैरेक्टर वाला भी लगा दीजिएगा तो वो भी काम कर जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उस पर बात कर लें। ठीक और इसको करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है राइटिंग रीडिंग क्या टाइप बाई। ठीक है, टाइप बाई टाइप इसमें हमको पहला जो फंक्शन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एफ प्रिंट एफ, उसका नाम क्या है? कहाँ चला गया? उसका नाम है एफ प्रिंट एफ। ठीक है, यानी दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर राइटिंग स्पेसिफिक टाइप डेटा
डेटा ऑन क्या फाइल, ठीक है। सिंटेक्स एफ प्रिंट एफ, यहां पे आपका फाइल पॉइंटर क्या जाएगा कोमा, यहां पे आपका एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि अगर इंटीजर है तो क्या लगाएंगे हाँ परसेंट डी, वेरी गुड। और यहां पे वो वेरिएबल जिसमें आपका डेटा है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर दो डाटा एक साथ कर रहे हैं तो दो स्पेसिफायर लगाएंगे, तीन कर रहे हैं तो तीन लगाएंगे। क्लियर। तो चूंकि एप प्रिंट एप से टाइप बाय टाइप रीड हो सकता है तो एक दूसरा है इसमें फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एफ एस कैन एफ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा, कहां से रीड, रीडिंग डेटा, रीडिंग स्पेसिफिक टाइप डेटा, ऐसे लिख दीजिए, किधर गया किधर गया, हाँ रीडिंग स्पेसिफिक टाइप डेटा फ्रॉम किस से, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स वैसा ही होगा, एफ एस कैन एफ एफ एस कैन एफ फाइल पॉइंटर स्पेसिफायर्स और यहां पे वेरिएबल, एम्परसेंट लगेगा अगर वेरिएबल किस टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप का है तो ठीक है, स्ट्रिंग छोड़ के किसी भी टाइप का होगा तो एम्परसेंट लगाना पड़ेगा स्कैन ऑफ करते समय, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमको जो डेटा राइट करना है वो रोल नेम करना है, क्या करना है, टू राइट रोल, और रोल हमारा किस फॉर्म में होगा, रोल नेम, नेम किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, दो ही ले लेते हैं, ठीक है, प्योर ले ले, मार्क्स भी ले ले, मार्क्स क्या ले ले, रूट ले लेते हैं, ठीक है।
ये सब कुछ तो वही रह जाएगा, इसको रख देते हैं। यहाँ पे हम अपना फाइल खोलेंगे राइट मोड के लिए, तो उसका नाम कुछ रख देते हैं। क्या नाम रख दे? टी फाइल। और इसका मोड क्या रखेंगे? डब्लू। ओके, हमको अपने तरफ से डेटा भी तो लेना होगा ना, तो इंट रोल ले लेते हैं और कैर नेम ले लेते हैं, कितना 20 लेंथ का। और फ्लोट किस टाइप का ले लेंगे? मार्क्स। ठीक है, क्लियर। ओके, अब एक बार में एक ही राइट करें कि एक से ज्यादा राइट करें? जैसे प्रोग्राम हम बना सकते हैं कि एक बार रोल नेम मार्क्स मांग लिए एक बच्चे का, फाइल में राइट कर दिए प्रोग्राम से बाहर, और एक हुआ कि नहीं पूछ ले और करना है, और बच्चे का एंट्री करना है, तो हम कहें यस, तो फिर से दोबारा दूसरे बच्चे का एंट्री मांगे, तीसरे का मांगे। ठीक है, मल्टीपल वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डू। क्या लगा देता हूँ? नहीं चेंज, अभी तो चेंज वाली बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है रीड और राइट। अगर आपको चेंज करना होगा, ठीक है, तो पहले तो सर्च करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंटेंट लेना होगा, उसका लेंथ निकालना होगा, उतना उतना करेक्टर हर बार रीड करना होगा फाइल में, और मिलाना होगा। अगर दोनों मैच कर जा रहा है तब चेंज होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, अभी इस पे फोकस कीजिए। तो हम डू के अंदर डाल दिए, तो डू एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है ना, कहता है कि जैसे मिलेंगे हम एंटर कर जाएंगे, कंडीशन लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं backslash n इंटर रोल कॉमा नेम एंड क्या marks, स्कैनअप लगा देते हैं परसेंट डी परसेंट एस और परसेंट एफ। ठीक है, ये चला जाएगा आपका एम परसेंट रोल में, नेम ऐसा ही रह जाएगा, एम परसेंट क्या हो जाएगा मार्क्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग जो दीजिएगा उसमें स्पेस मत लीजिएगा, क्योंकि बताए थे कि अगर परसेंट एस से हम स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं तो स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, तो अभी परसेंटेज दे रहे हैं, मतलब कि हम रवि लिखेंगे लेकिन रवि स्पेस कुमार नहीं लिखेंगे, वो नहीं दे सकते हैं, वहां पे कुछ दूसरा करना होगा। फिर एक और तरीका आपको बताए थे, या फिर पुट्स गेट्स का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, योर बैटरी रनिंग लो, कहाँ चला गया थी? हो गया, अब क्या करेंगे? इसको फाइल में राइट करना है, तो प्रिंट एफ कौन कौन है? परसेंट ई परसेंट एस परसेंट एफ, और अगर वहां फाइल में न्यू लाइन का कंसेप्ट आप बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? बैकस्लैश एन, और यहां पे डाल देंगे रोल कोमा नेम कोमा मार्क्स। ठीक है, That's it. फाइल में राइट हो गया, जो डाटा आपने इनपुट किया वो कहाँ जाकर राइट हो गया? फाइल में। अब यूजर से आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या एक ही करोगे कि और करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट एव मोर यस, और इसको हैंडल करते हैं हम गेट सी एच
और यहाँ पे डू को बंद करते हैं और कंडीशन लगा देते हैं कि वाइल जब तक सी एच में अगर वाई आता रहेगा तुम रिपीट करते रहोगे, और नो आएगा तो बंद हो जाओ, ठीक है। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक। इसको मैं कंपाइल करा लेता हूं, एक एरर डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, कहा डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, कहाँ दिक्कत है? डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यहाँ भी ठीक ही है। यहाँ बता, अच्छा सेवेज कर ले इसको, दूसरे नाम से कर दे बे, वो दूसरा चीज है, इसको किसी भी नाम से कर सकते हैं, इसमें थोड़ी रीड राइट वाला करना है। कैर नेम 20, तो इसमें क्या दिक्कत है जी? अजीबो टाइप का एरर दे रहा है। फाइल पॉइंटर पी कैर सी एच इंट रॉल सर वाई और एन, यस और नो का सर? यस और नो का सर डिक्लेरेशन? क्या डिक्लेरेशन सर? यहाँ प्रिंट अप में हम दिया ना कि अगर यस यस और नो करेंगे, हम समझ रहे हैं यस मतलब। अरे वो ठीक है, ये सी एल आर एस सी आर की वजह से हो रहा होगा, इसकी पोजिशनिंग कर रहा होगा ना, अभी भी दे रहा है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। एफ ओपन, टी फाइल खोल दिए, डब्ल्यू मोड में खोल दिए, ठीक है। अजी बात है, कभी सी एच के पास दिखा रहा है, कभी कहीं दिखा रहा है। ओहो ये देखिए, ये जो छड़ी आ गया है यहाँ पे, इसी वजह से हो रहा है, समझ में आ रही बात? अल्ले यहाँ एक छड़ी ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश में वो लगा हुआ है, ये तो कुछ है नहीं, गलती से पड़ गया है। अब देखिए ये हो गया जीरो, हो गया। अब हम लगा देते हैं सी एल आर एस सी आर, कंपाइल, ठीक है, रन। क्या कहा? रोल तो वन दे दिए, रवि ठीक है 556, मोर यस टू दे दिए, सोनी ठीक है, मान लीजिए अब नहीं करना है तो नो, एंटर, ठीक। अब हमारा टी फाइल के नाम से बना कि नहीं बना, तो डॉट सेल में चले जाएंगे और यहाँ टाइप क्या लिखेंगे, टी फाइल ठीक है, एंटर करेंगे, जो डाले वो आ गया। तो आपको वहां पे तब आपको दो काम करना होगा, या तो आपको एस को हटा के बिग ब्रैकेट कैरेट सिंबल बैकस्लैश एन लिखना होगा, या फिर स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिकली आपको पुट्स और गेट्स का इस्तेमाल करना होगा, बताया गया था आपको, ठीक है।
तो ये आप नोट कर लेंगे, ये राइटिंग का आपका प्रोग्राम हो गया। हो गया कहाँ पे? ये यहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है यहाँ पे, हाँ ब्रैकेट क्लोज लेफ्ट साइड में, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, क्लोजिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। हो गया ठीक है। अब इसका एक काम करते हैं, इसका अब बनाते हैं रीडिंग। ये तो हुआ कि हम लोग फाइल जाकर टाइप करके देख लिए, क्यों करेंगे, हम खुद से रीड करेंगे ठीक है। तो रीडिंग के लिए अब रीडिंग में दिक्कत यही है कि कब तक रीड करेंगे, हमको क्या पता है कि 2 डाले हैं 20 डाले हैं, रीड कब तक करेंगे, तो एंड ऑफ फाइल जब तक ना मिल जाए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि हम जो रीडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे वो तो टाइप बाय टाइप के अनुसार बनाएंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के अनुसार बनाएंगे नहीं, तो वहां पे ई ओ एफ का अगर कंसेप्ट हम लगाएंगे तो वो कारगर नहीं होगा, क्योंकि हम जो रीड कर रहे हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड नहीं कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप कर, तो एक दिक्कत में आ गए। तो सी कहता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, आपको ईओएफ अगर नहीं यूज कर सकते इस केस में तो एक फंक्शन यूज आपको देते हैं एफ ईओएफ, क्या देते हैं एफ ईओएफ ठीक है, और आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और ये भी आपको एंड ऑफ फाइल चेक करने में मदद करेगा। ठीक है, क्या नाम है उसका, एफ ये कहता है कि इट रिटर्न्स वन व्हेन एंड ऑफ फाइल, व्हेन एंड ऑफ End of file encounter, ठीक है, otherwise otherwise return zero,
इसका क्या मतलब हुआ? वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स। तो कहता है जब इंड ऑफ फाइल मिलेगा ना तो वन देंगे, मतलब ट्रू देंगे, और जब इंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा, तो जीरो देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक जीरो मिलेगा काम होना चाहिए, वन मिले तो काम रुक जाना चाहिए, ऐसा ही ना है? ठीक है, तो अगर हम नॉट वन लिखे तो जीरो हो गया। नॉट ऑपरेटर आप पढ़े ना लो, तो अगर वन के पहले नॉट लगा दे तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा लेकिन नॉट लगा दूंगा तो क्या होगा? चलता जाएगा, यानी जब जीरो आएगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू पे काम करता है, कंडीशन किस पर, लूप जो है वो किस पर रिपीट करता है? ट्रू पे। तो अगर मैं FEUF चेक करूंगा, उसको रिकॉर्ड मिलेगा, वो तो जीरो दे देगा, और जीरो का मतलब फॉल्स होता है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि हमको रिकॉर्ड पे चलाना है तो हम लगा देंगे नॉट, तो कर देगा उसको ट्रू, और जब ट्रू मिलेगा तो हो जाएगा फॉल्स, तो फॉल्स के केस में लूप बाहर आ जाएगा, तो हमारा सारा डाटा रीड हो जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और इसके सिंटेक्स में हमको कुछ नहीं लिखना है। कहाँ गया ये? इसका जो सिंटेक्स होगा उसमें सिंपल लिखिए FUF फाइल पॉइंटर। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, अब रीडिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। टू रीड क्या? रोल नेम मार्क्स फ्रॉम फाइल, फाइल का नाम क्या है? टी फाइल। तो ये सब चीज तो वही रहेगा, इसमें इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये सब वही रह जाएगा। यहाँ पे टी फाइल होगा, लेकिन मोड जो डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक वाइल का लूप चला देते हैं। वाइल नॉट FEOF क्या? तो जब जब रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्ड मिलेगा तो जीरो देगा, और नॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा? वन, मतलब ट्रू। ठीक, तो अगर ट्रू हो जाएगा तो इसमें आएगा और हम कहेंगे, ठीक है, कि FSCANF क्या लिखेंगे? फाइल पॉइंटर P। कौन कौन डेटा है सर? तो परसेंट D है, परसेंट S है, परसेंट F है। किसमें जाएगा सर? तो एम्परसेंट रोल में जाएगा, नेम में नहीं लगेगा, एम्परसेंट और एम्परसेंट मार्क्स में जाएगा। सर ठीक है, तो स्कैन कर लिए, हमको कैसे दिखेगा? तो स्क्रीन पर सर प्रिंट करा देते हैं ना। ठीक है, रोल इज इक्वल टू परसेंट डी, नेम इज इक्वल टू परसेंट एस, और मार्क्स इज इक्वल टू परसेंट एफ। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा रोल सर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मार्क्स, दैट्स इट। और वाइल को यहाँ पे बंद कर देंगे, और एफ क्लोज भी तो ठीक ही है इसमें। ओके, अब इसको हम कंपाइल करा लेते हैं, जीरो कंपाइलेशन, और इसको रन कराते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे वही डाटा जो टी फाइल में हम देखे थे टाइप करके, वो मिलना चाहिए यहाँ पे। अरे तो क्या हो गया भाई, इंफिनिट में चला गया, ये तो सेव किए थे ना उसको। सेव किए हैं किस नाम से? क्या टेस्ट? ठीक, तो दोबारा मेहनत हो गया। ये सब बच्चे इसमें बैठते हैं क्या?
इसका मोड क्या डालेंगे, रीड, इसको हटा दिए, यहां पे लगाए व्हाइल नॉट एफ ई ओ एफ टी, ठीक है, ओके, और यहां पे एफ एस कैन एफ टी है, फाइल पॉइंटर पी, परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट एफ, ठीक है, और यहां पे लग जाएगा एम्परसेंट रोल कॉमन नेम एम्परसेंट क्या मार्क्स, ठीक, और इसके बाद प्रिंट एफ कर दिए यहाँ पे बैकस्लैश एन, और दे दिए कि रोल जो है भैया वो आपका परसेंट ई है, नेम जो है वो परसेंट एस है, मार्क्स जो है वो भी परसेंट एफ है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा दिए किसको, रोल को, नेम को और मार्क्स को, ठीक है, और इसको बंद कर दिया और इसको सेव एज कर लेते हैं पहले कुछ भी टेस्ट वन के नाम से, ठीक, कंपाइल कराते हैं, एक एरर दे रहा है कहाँ पे, वहां स्लैश है सर अभी भी, ठीक है, अब तो सेव हो गया है, अगर इनफाइनाइट जाएगा, अभी भी इनफाइनाइट में जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको चेक करना होगा, हाँ क्या दिक्कत है, देखिए क्यों इनफिनिट में जा रहा है, पी को रीड मोड में खोले टी फाइल, और जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, क्या इसको एक और ब्रैकेट में रखना होगा, अच्छा एक और भी तो काम कर सकते हैं, छोड़िए नॉट नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि भैया जब तक तुम जीरो आओगे रीड कर लो, और तुम्हारा वैल्यू वन आ जाएगा तो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है, देख लेते हैं, अभी भी इनफिनिट है ना, एक के बाद दूसरा पर नहीं जा रहा है, जा रहा है वन नेम रवि, क्लास है इसके बाद नहीं ना, एक और अटेम्प्ट देखते हैं, नहीं होगा फिर देखा जाएगा बाद, पहले इस फाइल को चेक कर लें जो बनाए थे, टी फाइल ना, टाइप टी फाइल, ठीक है, अच्छा एफ एस के ना पी, पहला उठाओ रोल में डालो, दूसरा उठाओ नेम में डालो, तीसरा उठाओ मार्क्स में डालो, ठीक है,
ना ना, अगर एक और ब्रैकेट लगाएगा तो एरर हो जाएगा। एरर नहीं है प्रोग्राम में, सिंटेक्स एरर नहीं है सर। व्हाइल में जो कंडीशन लगा हुआ है एफ यू एफ, तो उसको नॉट इक्वल टू कीजिए ना सर पी के। अरे तो नॉट इक्वल टू करोगे तो बाहर निकल जाएगा सर। पी के नॉट इक्वल टू सर से डायरेक्ट लिखे तो सर नॉट इक्वल टू, तो किसके नॉट इक्वल टू है सर? अरे नॉट इन फाइल इंडो फाइल जो है एफ यू एफ है, ये क्या करता है? अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा? जीरो। और इंडो फाइल मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा? वन। ठीक, तो अगर हम इसको जीरो से कंपेयर करा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमको रिकॉर्ड पे तो चाहिए ना, चलना चाहिए। ठीक है, एक और था कि दूसरा तरीका था कि नॉट लगा के करें यहाँ पे, तो भी तो कर रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है सर। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू किसके बराबर है सर? सीधे लिखे हैं सर नॉट इक्वल टू एफ यू एफ। अब क्लियर है आप तो? ठीक है ना। नो सर, सर नॉट इक्वल टू है सर, नॉट एफ यू एफ। नहीं नहीं, नॉट इक्वल नहीं लिखना है, सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया गया था कि नहीं? लॉजिकल ऑपरेटर। यस सर। और क्या बताया गया था? कि जो भी रिजल्ट होता है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को। ठीक, तो एफ ई एफ यहाँ पे पी को जब रीड करेगा और जब उसको रिकॉर्ड मिलेगा तो वो क्या देगा? जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और नॉट उसके पहले लगा हुआ है, नॉट फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू। इसके पहले जो लिखे थे वो भी सही है, ये भी सही है, यहां दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट कहीं और से जा रहा है। अभी भी है, अब चलिए इसको देखेंगे। अब क्या है? किसको? ना ना उससे। अब चलिए आज रन दीजिए, इसको देखते हैं फिर। ठीक है ना, अटेंडेंस पहले कर ले।